भला किसी का करनस को तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार और नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई। आपका हमारे को बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है, आपका बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ। आज फिर निकला हूँ श्रीनिवास की धाम की यात्रा पर, ये बहुत ही पवित्र धाम है। आप एक बात विशेष और बता दूँ आपको, जब भी कॉल करो केवल शाम के टाइम करो या सुबह 7 बजे करो, दिन में ना कराया करो। दिन में हम बिजी होते हैं, आप भी बिजी होते हो, और कॉल करने से पहले पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखो। जब आप वीडियो को देखोगे पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट का तहसील शिवानी है और गांव है श्रीनिवास। हिसार से 45 किलोमीटर है और राजगढ़ से 30 किलोमीटर पर है ये गांव। यहां सप्ते में 3 दिन झाड़ा लगता है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, और 2 दिन पहले टोकन लेना ज़रूरी है। अगर 10 साल का बच्चा आपके साथ है तो उसका टोकन नहीं लगता, और जो भी यूनिफॉर्म आएगा पुलिस वाला हो या फौजी हो उसके तुरंत झाड़ा लग जाएगा। उसके साथ केवल एक ही व्यक्ति होना चाहिए या उसके बच्चे होने चाहिए। आइए आपको श्रीनिवास धाम की फिर यात्रा कराता हूँ। राम राम भाई साहब। राम राम। कहाँ से हो आप? मैं पेटवाड़ गाँव से। पेटवाड़ से? हाँ जी। दून हो? नहीं, शर्मा जी। शर्मा जी, शर्मा जी आपके क्या दिक्कत है? मेरे को तो पथरी का रोग है। पथरी का रोग है? ये कौन सा झाड़ा लगेगा? पहला झाड़ा पल लगेगा। क्या आपने डॉक्टरों की सलाह नहीं ली? नहीं ली है तो दवाई तो खाई है। दवाई तो खाई है लेकिन फिर भी झाड़ भी विश्वास करते हो? विश्वास। ठीक से, आपके पथरी में आराम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम जी। क्या नाम आपका? अमरपति। कहाँ से हो? बैल से। बैल से। आपके कौन सा झाड़ा लगेगा? ये दूसरा लगेगा। आपके क्या दिक्कत थी? सारा ही है। सारे दिक्कत है? हाँ। पूरा ऊपर से लेके एडी तक? हाँ। ओहो, पूरी पीजिया ही आपके शरीर में तो? हाँ। ठीक है, तो आपके झाड़े में विश्वास है? हाँ। ठीक है, भगत जी पैसे कितने लेते हैं? यहाँ भगत जी पैसे कितने लेते हैं? लेवा ही को नहीं। लंदे नहीं? कहीं नु कहीं लेवा है ना भाई? तो वो झूठ बोल रहे हैं। प्रसाद ही चढ़ाओ? प्रसाद चढ़ाते हो और आपके आराम भी हो जाता है? ठीक है, जुड़े रहिए टोरादून के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम ताई। राम राम बेटा। कितना आई है? कड़वा तो है। कड़वा? 8 कड़वा? हाँ, 8 कड़वा। अच्छा, क्या दिक्कत थी? बेटा मेरा शुगर भी है, बाहर की घुमड़ी भी है, दिक्कत है। ओ, सारे रोग जाग रहे हैं? हाँ, सारे लाग रहे। डॉक्टर आ नहीं गई? हाँ, सारा ही बैठ टोया है। बैठ टोया है। हाँ। आपका कौन सा झाड़ा लगेगा? दूसरा। दूसरा? हाँ। पहले में कितना राम है? राम है बेटा 20%। फिर ये तो भगत जी डॉक्टर से भी अच्छे हुए? हाँ, डॉक्टर तो बहुत अच्छे हुए। यहाँ पीछे दे ली तो नहीं दिया तुमने? ना, कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं दिया? ना, कुछ नहीं। फ्री में झाड़ा लग गया? फ्री में झाड़ा लग गया। ओह, कितनी मौजूरी है अभी? हाँ, मौजूरी बेटा। बच्चे क्या है आपके? 4। 4? 2 लड़की 2 लड़के। छोरे बेरे के हैं? दोनों छोरी बेरा की, दोनों छोरे बेरा। ठीक, बहू कितनी सेवा करे हैं? बहू खूब करे बेटा, खूब करे हैं, खूब करे। और प्यारी कितने लागे हुए? प्यारी मन वो गणी, अपनी बेटियां तो बेगणी लाग गए। बेटियां तो लाग गए? लाग गए हैं। आपके इसीलिए आराम हो रहा है, आपको अपनी बहू प्यारी है और इसी तरह प्यार करती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाओ बेटा। ठीक है, धन्यवाद जी। राम राम जी। भगत जी सुबह से देख रहा हूँ आप 4 बजे से लग रहे हो और भक्तों की भी पूरी लाइन लगी हुई है, गाड़ी पे गाड़ी है। ऐसी आपके अंदर क्या मशीन है जो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो आप? ऊपर वाले की मेहरबानी है जी। ऊपर वाले की मेहरबानी? ऊपर वाला साथ है। थकते नहीं? ना, कोई थकान को नहीं। कोई थकते नहीं? ना जी, सेवा में। हाँ, सेवा में जी। तो भगत जी ये सेवा कब तक करते रहोगे इस तरह? ये ऊपर वाले सांस गाला है, इतने सेवा कराए जी। सांस तो मैं तो उनको भगवान को आपको 100 साल से भी ज्यादा उम्र दे। बस ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाला करेगा इतने ऐसे करते रहे। तो एक टोकन के ऊपर बहुत दिक्कत होती है भक्तों की, इसका कोई नियम है बांटने का? टोकन का कोई नियम कौन जी? टोकन तो अभी जनता जाओ कौन जी, इधर रहो तो उसी को ही टोकन मिलेगा। हमारे पास बार बार कॉल आते हैं जी, टोकन का टाइम बांधो, टोकन का टाइम बांधो। इनको क्या कहें हम भक्तों को? इनको ये बोलो जी, टोकन तो सुविधा करेंगे नहीं तो नजदीक गांव के हैं वो ही ले जाएंगे, दूर वालों का फिर भी नंबर। हाँ, दूर वाले रह जाएंगे। अगर टोकन का टाइम रख देंगे नहीं तो 12 महीने एडवांस में टोकन बढ़ जाएंगे। एक समस्या और है जी श्रद्धालु की, यहाँ जो इमरजेंसी के जिनके नाली लग रही है, एम्बुलेंस मारी, गाड़ी मारी, उनके लिए क्या सुविधा है? उनको जाते ही झाड़ा लगाते हैं, आते ही। आते लगा देते हो? एम्बुलेंस के लगाते हो या पर्सनल गाड़ी के? एम्बुलेंस हो किसी भी हो जी, उनको लगा देते हैं। उनको लग जाता है जी।
थोड़ा बहुत आगे पीछे। हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मैं बताया है कि जो भी इमरजेंसी है कई बार हम लगा देते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इंतज़ार करनी पड़ती है। भाई सुबह से आज इतनी भीड़ है कि पब्लिक बेकाबू हो रही है, दो दो लाइन बनवा ली, तीन तीन लाइन बनवा ली, फिर भी श्रद्धालु एक दूसरे से आगे भागने की कोशिश करते हैं और टोकन से यहाँ नंबर लगता है, फिर भी जनता काबू में नहीं आ रही। मैं तो ये कहूँ टोकन से जो झाड़ा लगाएगा उसके ज़्यादा आराम होगा, आप विश्वास पे डटे रहिए। ये बहुत ही पवित्र धाम है, बहुत ही श्रद्धा का धाम है। जब तक आप नियम नहीं अपनाओगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेरे पीछे देखिए आप कितनी गाड़ी पर गाड़ी है और ये बूढ़े बच्चे और काफ़ी बुजुर्ग भी इसमें खड़े हैं काफ़ी देर से, लेकिन नंबर तो आता है लेकिन देर से आता है और यहाँ आराम भी होता है। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद सर। आपका शुभ नाम? मेरा विजय कुमार। कहाँ से हो? मैं चरखी दादरी से। चरखी दादरी से। आपके क्या दिक्कत थी? मेरी दिक्कत है दर्द रहता है और कड़ में दर्द रहता है। ये पहला झाड़ा था दूसरा? पहला था। हाँ। आपको कैसे पता चला यहाँ झाड़ा लगता है? ये मेरा मूसा है वो लगा के गया थे। वो लगा है, उसके आराम हो गया? हाँ उसके आराम हो गया। और आप आर्मी में हो? हाँ आर्मी। किस जगह ड्यूटी है? श्रीनगर। श्रीनगर। अब तो साइंस का जमाना है, आप पढ़े लिखे हो, क्या आप डॉक्टर पे विश्वास नहीं करते? डॉक्टर को दिखा लिया और उसमें कुछ नहीं आया। डॉक्टर का कुछ नहीं आया और यहाँ आपको विश्वास था? हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। देखिए थे ये थे फौजी साहब, इनको भी विश्वास है भाई ये पवित्र धाम है, यहाँ आएंगे तो आराम होगा। देखिए छोटी ही बछड़ी के भगत जी झाड़ा लगाते हुए। भाई साहब क्या नाम है आपका? महेंद्र नाम है। कहाँ से आए हो? रगड़वा से। क्या दिक्कत है इस बछड़ी का? इसके जन्म से दिख नहीं रहा इसको। जन्म से दिख नहीं रहा इस बछड़ी को। देखिए भगत जी बछड़ी के भी झाड़ा लगाते हुए और मालिक के आशीर्वाद से इसको दिखाई देगा। जी राम राम। जी राम राम। आपका शुभ नाम? तो मैं सर देवी जी। कहाँ से हो? फ्रांस से हूँ, अग्रवा मोड़ से। अग्रवा मोड़। हाँ फ्रांस। आपके क्या दिक्कत थी? मेरा बच्चा था कैंसर है जी, पहले ऑपरेशन करवाया फिर माने यूरोप तो चलो भी झाड़ो गल है। अच्छा। मैं झाड़ा गलवा लिया तीन। तो ये आपका आराम है? हाँ क्लियर है जी, सरो दिन टेस्ट करवाया। अच्छा। टेस्ट में कोई बीमारी को नहीं, साथ में दवाई भी चल रहा है मेरी, बिलवाड़ा हूँ देसी दवाई ले, डॉक्टर की कोई दवाई कौन ले। देखिए कैमरे से हम आपके लिए झूठ बोल रही हो, देश पागल हो जाओ। ना ना ठीक हूँ, झूठ को ऐसी क्या बात है, यहाँ झाड़े से ठीक हो जा। देख बाबा ये डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर फैल है मेरे लिए तो फैली है। आपके लिए फैल है? मेरे लिए तो फैली है। तो आपका विश्वास था यहाँ झाड़े में ठीक हो जाओगे? विश्वास। कितने दिन से थी ये कैंसर? कितने? छह महीना पहले ऑपरेशन करवाया जी, और एक महीना ऑपरेशन करवाया नहीं, टेस्ट करवाया दिक्कत थी, पहले टेस्ट करवाया नहीं जब डॉक्टर ने बोले कैंसर है और तीसरे स्टेज पर रोका है। आपको कैसे पता चला यहाँ झाड़ा लगा है? हमारे रिश्तेदार है जी शिवानी के। अच्छा रिश्तेदार शिवानी को, उन्होंने बताया है? फोन में भी देखे, फोन में भी देखते हो? फोन में भी देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद बाबा। हाँ भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा दीपक नाम है। तो यहाँ पे हमारे कुछ रिश्तेदार थे। अच्छा। तो उसने बताया कि उसको काफी अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा। पेट में दुखावा होता था तो अच्छा। बाबा ने झाड़ा लगाया। अच्छा। तो उसको रिजल्ट मिला, मेरे को फोन करके नौसारी से बुलाया, तो अभी नौसारी से मैं यहाँ झाड़ा। ये नौसारी कहाँ पड़ती है? ये नौसारी अपने गुजरात स्टेट में पड़ता है। गुजरात स्टेट में? ये तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है? ये जिला है। जिला डिस्ट्रिक्ट है नौसारी? ये भरूच अंकलेश्वर है, वडोदरा है। ठीक है। तो उसी एरिया में है ये नौसारी। आपके क्या दिक्कत थी, व्हाट इज प्रॉब्लम? मेरे को थोड़ा ये टॉन्सर है। अच्छा। तो ये कभी कभी पेन करता है, दुखता है। अच्छा। और ये मेरी माँ है, इसको थोड़ा ब्लड प्रेशर रहता है। आपका क्या नाम है जी? मेरा गीता बहन। गीता। गीता बहन। तो मेरा पेट दुखता था तो उसके लिए आई, किडनी दुखती थी उसके लिए आई, तो उसको आराम है, और ब्लड प्रेशर भी है उसको आराम है, आंखों से कम दिखता था उसको भी थोड़ा आराम है। एक झाड़ा लगाने से मेरा खुद ठीक हुआ, अभी और भी झाड़ा लगाऊंगी मैं। नौसारी गुजरात से आई। ठीक है। हाँ मेरा नाम गीता है। ठीक है। मेरे लड़के का नाम दीपक है। दीपक। आप क्या काम करते हो? दो माँ बेटे आए। अपन थोड़ा जड़ी बूटी का काम करते हैं। अच्छा, आप भी खुद जड़ी बूटी का करते हो? आप खुद डॉक्टर हो? हाँ। ठीक है। आपको इस झाड़ में कितना विश्वास है? बहुत विश्वास। लोग अपन को भी विश्वास है बहुत ही, अभी खाना
यहाँ पैसे वैसे तो नहीं लिया आपसे कुछ? नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं, फ्री में सेवा की है। फ्री में सेवा, बहुत अच्छा सेवा है ये। देखिए भाई, ये भाई जो है नौसारी गुजरात से आए हैं और इनके साथ इनकी ये मदर है और यहाँ पर इनको पूरा आराम मिला है। एक जड़ा लगवा है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये कराई हमने आपको श्रीनिवास धाम की यात्रा। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ ऋषिपाल। जय हिंद।